टेक्निक्स इन टेक्नोलॉजी काम करती है, उनको हम डीप फेक एआई कहते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं। अभी रिसेंटली एक और वीडियो बताऊंगी जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, उनका G20 में एक लेडी आई थी, तो उसमें काफ़ी वीडियोज और वो वायरल हुए थे जिसमें वो हंस के बात कर रहे थे, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ऐसे वीडियोज वायरल हुए। अब एक वीडियो तो मैंने और देखा, जिस वीडियो में वो मैं दिखाऊंगी, इसमें भी इस चैनल में दिखाऊंगी, उसमें क्या हुआ है कि उस वीडियो में उनकी शादी करते दिखाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी की शादी करते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये किसी की, यू नो, दिस इज फन फॉर समवन, बट दिस इज अगेन, ये किसी के साथ एक गलत काम भी हो जाता है कि ऐसे मॉडिफिकेशन होते हैं। आप लोगों को पता होगा डार्क वेब होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में लोगों के साथ नेगेटिव, इंटरनेट का नेगेटिव यूज़ भी बहुत होता है, वीडियोज़ का नेगेटिव यूज़ भी बहुत होता है। लोग फिर उस पर बातें बोलते रहते हैं कि ये मेरा ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट देते रहते हैं उन लोग, ऑब्वियसली नहीं है तो स्टेटमेंट ही देंगे, इस चीज़ को पूरा बताएंगे सबको। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम बताएंगे व्हाट इट इज, बेसिकली डीप फेक एआई होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ। तो डीप फेक एआई ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स होता है जिनके थ्रू हम जो इंटरनेट पे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं, किसी के वीडियोज को, किसी के फोटोज को जो मॉडिफिकेशन करके हम किसी और चीज़ में फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सारे हमारे डीप फेक एआई टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अब मेरे को चाहिए, मेरा एलन मस्क है, एलन मस्क कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, या एलन मस्क की वॉइस में चेंजेस करवाने हैं, या उसका स्टेटमेंट ही चेंज करना है किसी पर्टिकुलर वीडियो में, तो उस चीज़ को करने के लिए मैं डीप फेक एआई टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनका यूज़ करके उसको कन्वर्ट करूँगी, उसको चेंज करूँगी। तो लोगों को क्या पता चलेगा, लोगों को लगेगा कि ये सारा जो स्टेटमेंट है, ये पूरा वीडियो, ये ओरिजिनल लगता है लोगों को, और ये सारा एलन मस्क के थ्रू दिया गया है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती हैं लोगों की, जो लोग बोलते नहीं है अगर उनको बोला जाएगा, और दे आर द फेमस पब्लिक फिगर्स हो जाते हैं, तो फिर उस केस में यहाँ पे इशूज हो जाते हैं। तो ये सारा होता है डीप फेक एआई के थ्रू, जिसमें हम फोटोज को, वीडियोज को मॉडिफिकेशन करके, कन्वर्ट करके हम दूसरे वीडियोज में शो करते हैं। काफी सारे वीडियोज हैं, मैं कुछ एग्जांपल भी इस वीडियो में दे दूंगी जिसमें डीप फेक एआई का आप लोग देख सकते हो कि होता क्या है। अब हम दूसरा पॉइंट है जिसका, कि डीप फेक एआई कैसे काम करता है, तो इसके बारे में बताऊंगी। तो डीप फेक एआई होता है, दो मशीन लर्निंग के मॉडल पे काम करता है, मशीन लर्निंग के दो मॉडल पे काम करता है बेसिकली। एक मॉडल क्या करता है, एक मॉडल जो इंटरनेट में डेटा अवेलेबल होता है, जो वीडियोस अवेलेबल होते हैं, उनको रीसेट करता है, उनको चेंज करता है, वो चेंज करने की कोशिश करता है, पूरा कन्वर्ट करता है जैसे मैं बनाना चाह रही हूँ। दूसरा जो मॉडल होगा वो क्या करेगा, वो उसी वीडियो की फेकनेस को चेक करेगा, उसको चेक करेगा कि कितना वो बिलीव करने लायक लग रहा है, कितना वो ओरिजिनल से मिल रहा है। जब दूसरा मॉडल उसकी जो ओरिजिनल जो उस वीडियो की, जिसको हमने चेंज किया है, उस वीडियो के फेकनेस को पकड़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, तब वो ये हो जाता है कि वो जो वीडियो है वो रेडी है, जो लोग हैं उनको, उनके लिए वो बिलीव कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में आया, मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि दो मॉडल पे काम कर रहा है, एक क्या करता है, एक वीडियोस बना रहा होता है, जैसे एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट के थ्रू मेरे को वीडियो बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो एक मॉडल उसमें क्या करेगा, ये बैकिंग की बात कर रही हूँ, एक मॉडल क्या करेगा, एक मेरे वीडियो पे काम करेगा, जितने भी डेटा सेट है उनके पास उन पे काम करेगा, वो जैसा मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वो कन्वर्ट करेगा, काम करेगा। दूसरा मॉडल क्या करेगा, दूसरा मॉडल उसी वीडियो की फेकनेस को चेक करेगा, ये चेक करेगा कि वो सच में सही लग रहा है या नकली लग रहा है। अगर वो नकली लग रहा होता है तो वो सही सेट नहीं कर पाता है, वो और ट्रायल पे काम करता है और कहता है कि और सही करो, और सही करो। जब उस दूसरा मॉडल उस वीडियो की फेकनेस को पकड़ नहीं पाता है, मतलब वो सच में ऐसा लगता है कि वो सही के 99% वो सही लगता है, तब वो दूसरा मॉडल उसको रेडी कर देता है, मतलब ये तब रेडी हो जाता है वीडियो, ये ऐसा वीडियो रेडी हो जाता है कि अब वो ह्यूमंस के सामने, अगर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसको हम पूरे GAN बोलते हैं, ये पूरे फुल फॉर्म इसकी लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, बेसिकली तब ज़्यादा अच्छा काम करता है जब वेबसाइट के पास काफ़ी सारा इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल हो, वेबसाइट के पास डेटा अवेलेबल होगा। अब ये किसके साथ वैसे हम देखते हैं ना, मोस्टली किसके साथ होगा, सेलिब्रिटीज़ के साथ होगा, पॉलिटिशियंस के साथ होता है, वीडियोज में चेंजेस, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं जिनके काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, उनके ज़्यादा ये अच्छा काम करता है, क्योंकि इंटरनेट पे जितने ज़्यादा वीडियोज अवेलेबल होंगे उतने ज़्यादा वो तरीके से जो ये GAN प्रोसेस है उस अच्छे से काम करेगा। ये आपको समझ में आया। अब उसके बात करते हैं न्यूज़ फॉर किसके लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली अब बताया ये मैंने स्टार्टिंग में कि फ़न के लिए बहुत यूज़ होता है, लोग फ़न के लिए करते हैं, बट अगेन फ़न किसी के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो अब जैसे ये हम इसके दो लेंगे, एक हम पॉजिटिव एस्पेक्ट लेंगे, एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेंगे। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ कैसे यूज़ होता है,
तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में कस्टमर सपोर्ट में पहले लेती हूँ कि कस्टमर सपोर्ट के लिए कैसे काम करता है ये। यहाँ पर लिखते हैं मैंने कस्टमर सपोर्ट, तो कस्टमर सपोर्ट के लिए काम करेगा ये कि जिसमें हम देखते हैं कस्टमर सपोर्ट भी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी सीधे सो नॉट ऑफलाइन, ऑनलाइन भी दो टाइप से, एक हो जाएगा जिसमें हमारी वॉइस आती है, दूसरा हमारा होता है जो वीडियो के फॉर्म में आता है। कस्टमर सपोर्ट में अभी हमने से एक देखा होगा कि ऐसे AI काम करता है, इसमें एंकर बनते हैं, एंकर बन के वो अपना AI एंकर न्यूज़ एंकर्स होते हैं, वो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में वायरल हो जाता, तो उसी में कि ये भी मॉडल हो जाता है कस्टमर सपोर्ट के लिए कि एक पर्सन बैठा हुआ है, उस पर कुछ हमने इंक्वायरी सेट कर दी है, कुछ चीज़ें सेट कर दी कि जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करेगा, तो वो एक आपका हेल्पफुल होता है, एक आपका जो टाइम बचाता है, एक आपका जो मैन पावर होगा उस पर कम जाएगा, तो उस टाइम कस्टमर सपोर्ट पे ही हेल्प करेगा। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कॉलिंग का सपोर्ट, अगर बात करते हैं तो कॉलिंग में हम कुछ पिच रेडी कर देते हैं, उस पिच को वहाँ पे कन्वर्ट करता है, मशीन के थ्रू नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ओरिजिनल लैंग्वेज, ओरिजिनल किसी की कोई ह्यूमन बात कर रहा है, कोई इंसान बात कर रहा है, ऐसा लगता है। तो ये कस्टमर सपोर्ट का मैंने बताया आपको। दूसरी मैं बात करूँगी इमेजिनेशन और आर्ट के लिए, अब इमेजिनेशन और आर्ट के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अभी हमने काफ़ी सारे ना आर्ट जो क्रिएट करते हैं या जो लोग बनाते हैं उनको हमने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे फोटोज़ ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो इंसान मतलब एक फैमिली फ़ोटो ले लेते हैं, फैमिली फ़ोटो में अगर किसी के फादर अवेलेबल नहीं है, मदर उसकी अवेलेबल नहीं है, इवन नॉट लाइक दुनिया में नहीं है या शादी के टाइम अवेलेबल नहीं है, किसी फंक्शन के टाइम अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे हम फोटो फ्रेम में देखेंगे कि लोग उनको स्क्रैच पूरा आर्ट से अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उस जो इंसान होगा उसको भी फ्रेम में ला देते हैं, मतलब वो पर्सन अवेलेबल नहीं है उस टाइम फिर भी उसको प्रेजेंट करा देते हैं, और वो बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो किसी ने बनाया हुआ है, ऐसा लगेगा वो पर्सन अवेलेबल है उस टाइम पे। तो ये आपके वीडियोज़ काफ़ी सारे होते हैं, ऐसे वीडियो होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो अवेलेबल जो अभी नहीं है दुनिया में एग्जाम्पल, उनके वीडियो जैसे बनते हैं, ऐसा लगता है कि उनके कि वो ओरिजिनल हमारे सामने बैठे उनसे बात कर। तो इमेजिनेशन और आर्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट में, मैंने बताया इमेजिनेशन और आर्ट बताया, फन के लिए लोग यूज़ करते हैं कुछ वीडियोस होते हैं, जैसे मेरा कोई दोस्त है एग्जाम्पल, मेरे को उसका वीडियो का फन के लिए उसको चेंज करके दे दिया, अनटिल वो किसी को प्रॉब्लम ना करे, जस्ट फॉर माई फन, जस्ट फॉर की दोस्त है मजाक कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर फन पर्पज के लिए बोल दो, एंटरटेनमेंट के लिए बोल दो। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए कि हम इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, जब तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी दैट्स अ पॉजिटिव वन, जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी दैट्स अ नेगेटिव वन। अब नेगेटिव बात कर लेते हैं, नेगेटिव में मैं बात करूँगी बहुत बड़ा है आजकल ये नेगेटिव में, जैसे ये मार्क जुकरबर्ग का बताया कि पब्लिक फिगर है तो कुछ स्टेटमेंट अगर वो दे रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि फेसबुक लोगों को ऑन करता है, तो इसमें एक लोगों की ये लगा कि भाई फेसबुक कैसे ऑन कर सकता है, दैट्स अ वेबसाइट ओनली, तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके बोला गया था उस शब्दों को, मैं बात करूँ उसकी उनके स्टेटमेंट को, तो ये एक नेगेटिव है कि जो इंसान जो बोल रहा है उसको वैसे ही प्रेजेंट किया जाएगा, उसको थोड़ा भी मॉडिफिकेशन करके गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो एक गलत स्टेटमेंट जाएगा और उस पर्सन के उस पब्लिक फिगर के या पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली लोग नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो एक चीज़ सही नहीं है। दूसरा इसकी बात करें लोगों के वीडियोज़, लोगों के फ़ोटोज़, अगर मैं बात करूँ इंटरनेट पर इंस्टाग्राम पे इतने सारे फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे लोग उस फ़ोटोज़ को गलत तरीके से, गलत लड़कियों की अगर मैं बात करूँ लड़कियों की इमेजेस को, लड़कियों के वीडियोज़ को गलत तरीके से मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट है जो उस इंसान की जो उसने किया भी नहीं है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गलत चीज़ है, तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके लिए कि इवन समटाइम क्राइम में भी बहुत काम ये हो जाता है, क्राइम सीन अगर कुछ हो जाते हैं या कुछ होते हैं तो लोग इन चीज़ों को भी बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये सारे नेगेटिव हैं कि वीडियो को मॉडिफाई कर दिया, स्टेटमेंट ये पूरा जो इतने स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये सारे नेगेटिव हो जाते हैं इसके, तो ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव क्या मैं जस्ट फॉर फन, और नेगेटिव तो काफ़ी सारे हैं, ये सारे नेगेटिव हैं इसके। इसके भी मैं कुछ एग्जांपल दूंगी कि जैसे नेगेटिव पॉजिटिव कौन कौन से हैं, ये पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हो जाएगा। इस वीडियो में कुछ मैं क्लिप्स डालने की कोशिश करूंगी ताकि वो आपको समझ में आए कि नेगेटिव और पॉजिटिव कौन से होंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू डिटेक्ट इट, कैसे इसको फाइंड आउट करना है। अब इसको डिटेक्ट करने के, अब मैं ये यहाँ बता दूंगी कि वीडियो कैसे डिटेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को कैसे डिटेक्ट करते हैं। मैं लिख दिया यहाँ पे उसकी वीडियो को और दूसरा हमें टेक्स्ट को कि जो स्टेटमेंट हमारा लिखा जाता है तो उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पे बात करेंगे, तो वीडियो में जब भी वीडियो देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा ना हमें अनयूजल, मैं बोलूँगी अनयूजल ना फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं लोगों के, अभी जैसे एक ह्यूमन हो गया तो उसके जैसे ये ऐसे हाथ जा रहा है, इस तरीके जा रहा है या यू नो इस तरीके से हो रहा है, तो ये आपके नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन है। अगर मैं इस तरीके से खड़ी होंगी, इस तरीके से सिर्फ स्टेटमेंट देती रहूँगी, बात करती रहूँगी, कुछ मूवमेंट्स नहीं है, तो वो एक मशीन के थ्रू हुआ है,
तो वो एक अनयूजुअल में बोलूंगी मूवमेंट्स बोलूंगी, फेशियल एक्सप्रेशन बोलूंगी, तो वहाँ पे आप चेंज को वहाँ पे पता कर सकते हो कि ये वीडियो किसके थ्रू बनाया गया है, ये कितना कैसा वीडियो है, ह्यूमन ने बनाया है या मशीन ने बनाया है। दूसरा हम बात करेंगे कि जैसे ब्लिंक करने की बात करते हो, कि अभी आपने भी देखा होगा वीडियो को बनाते बनाते मेरे काफ़ी सारी ऐसे ब्लिंक होती है, तो उस ये देखो कि आई ब्लिंक हो रही है या नहीं ब्लिंक हो रही है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ह्यूमन है और उसकी आई ब्लिंक नहीं हो रही हो, कितना भी वो ध्यान रख ले पर आई ब्लिंक होगी उसकी, तो ये है। तीसरा अगर हम फ्लो देखते हैं, बात करने का फ्लो देखते हैं, जैसे अभी मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं कभी कभार कुछ वर्ड्स बोल जाती हूँ, देन आई विल बी लाइक कि ओ दिस नहीं नॉट दैट दिस वन, तो वो क्या फ्लो स्टेटमेंट ऐसा हो मतलब ऊपर नीचे हो रहा है या फिर सीधा एकदम चल रहा है। अगर ऊपर नीचे आ रहा है मीन्स दैट इज वो करेक्ट है, ठीक है, अगर एकदम सीधा चल रहा है बिना रुके हुए बिना यू नो गलती हुए तो वो थोड़ा सा इतना भी क्या सही हो सकता है चीज़ें, तो मशीन के थ्रू है। अगर हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि अलाइनमेंट्स, बेसिकली जो मैं शब्द बोल रही हूँ क्या वो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब आगे वाला शब्द क्या पीछे वाले शब्द से मैच कर रहा है, इस तरीके को थोड़ा देखना पड़ेगा तब हमें पता चल जाएगा। अगर हम वीडियो को थोड़ा जूम करेंगे तो जो उसके जूम करने पे हमें पता चल जाता है, वीडियो को हम जूम करेंगे तो पता चल जाएगा अलाइनमेंट्स होंगे वो थोड़े से ऑड हो रहे होंगे, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। आप दूसरा देखते हैं टेक्स्ट के थ्रू, टेक्स्ट में कैसे होता है, टेक्स्ट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेलिंग का एरर देख सकते हैं जो स्पेलिंग्स एरर होते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा हो जाता है कि स्टेटमेंट का कोई वैलिड मीन आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी ने गूगल से, कभी कभी क्या होता है हम गूगल से भी कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेज को तो उसमें भी बड़ा गलत गलत स्टेटमेंट आ जाता है, बिकॉज मशीन है वो आपके फीलिंग्स को नहीं पता कर सकती है, तो वो स्टेटमेंट आपको चेक करना पड़ेगा वो स्टेटमेंट सही है नहीं सही है, स्पेलिंग का बताया कि स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा, और द फ्लो ऑफ राइटिंग, वो फ्लो है या राइटिंग का सही है या नहीं है, तो ये हम चीज करके पता कर सकते हैं टेक्स्ट क्या पर्टिकुलर पर्सन ने लिखा हुआ है या वीडियो क्या उस पर्टिकुलर पर्सन का बना हुआ है या मॉडिफाई है। तो ये मैंने बताया आपको डिटेक्ट करने के तरीके। अब इसमें एक हम और आता है शैलो फेक, मतलब शैलो फेक भी होता है आपका। अब शैलो फेक क्या होता है, शैलो फेक के बारे में मैं डिटेल में दूसरे वीडियो में बात करूंगी। डीप फेक हो गया, शैलो फेक हो गया, ये मैंने आपको बताया कि क्या बेसिकली होता क्या है, सिर्फ मॉडिफिकेशन और दूसरे वीडियो को बनाने के लिए काम आता है, जिसमें मॉडिफाई कर देते हैं लैंग्वेज को, ऑडियो को, सबको मॉडिफाई करते हैं, इवन प्रेजेंस को भी मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो सारे टूल्स होते हैं हमारे डीप फेक एआई वाले। उसके बाद हाउ टू डीप फेक वर्क करता है, दो मॉडल के बेस पे काम कर रहा होता है, जिसमें पहला मॉडल बनाता है वीडियो, दूसरा मॉडल उसका चेक करता है कि उसकी फेकनेस को, कि वो कितना फेक लग रहा है, अगर फेक लगना बंद कर देता है तो वो रेडी कर देता है ह्यूमंस के लिए, लोगों के लिए। तीसरा हमारा यूज़ फॉर नेगेटिव और पॉजिटिव बताया, पॉजिटिव में आपका है फन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेमोरीज लोगों की, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो लोग हमारे साथ अवेलेबल नहीं है या दुनिया में नहीं है उनको वापस से पिक्चर्स में लाने के लिए, वीडियोज़ में लाने के लिए इनके लिए काम होता है। कस्टमर सपोर्ट के लिए बताया बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। और अगर हम बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव बहुत सारे हैं, स्टेटमेंट चेंज कर लोगों के, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देना, लोगों की फ़ोटोज़ को और वीडियोज़ को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, यूज़ करना, ये मैंने लोगों का यूज़ बताया। देन हाउ टू डिटेक्ट इट, दो तरीके से बताया, वीडियो और ऑडियो में कैसे कर सकते हैं, ये सॉरी टेक्स्ट में और वीडियो में कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे बेसिकली मैंने बताया डीप फेक एआई के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंड शैलो फेक एआई के बारे में कि वो क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ मैं एग्जाम्पल्स भी ऐड कर दूंगी, इवन कुछ मैं वेबसाइट्स भी ऐड कर दूंगी जो वेबसाइट डीप फेक एआई पे काम करते हैं। अब इट्स अप टू यू, अगर आपको पॉजिटिव तरीके से काम करोगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नेगेटिव काम करोगे तो पता ही है सबको कहाँ जाना होता है, जेल में जाना होता है सबको, तो बेटर है पॉजिटिव तरीके से काम करो ज़्यादा देन नेगेटिव। नेगेटिव करके क्या कर लोगे आप लोग, पॉजिटिव काम करोगे तो उस फन के लिए अच्छी चीज़ है। मशीन लर्निंग ये सब चीज़ें क्या है, अगर आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से यूज़ करोगे ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपके लिए क्या बोलूँगी कि बेनिफिशियल नहीं है बिल्कुल भी, वेबसाइट्स और ये चीज़ें अवेलेबल बिल्कुल सही नहीं है। तो आज के ये वीडियो था इस बारे में, अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को क्या चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, बाकी हमें हमारे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो करो, यूट्यूब पे भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो हमें। और जब मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग उस पर जॉब के लिए बोलते हैं तो उस पर ऑलरेडी एक हमारा ईमेल है cv@bizactionconnect.com, उस पर जाके अपना रिज्यूम आप सबमिट कर सकते हो और वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी, हमारे ऑफिस की तरफ से आपको कॉल आ जाएगी, रिप्रेजेंट आपको कॉल कर लेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।